नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां भोपाल में भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा कार्यालय से रवाना हो गए। वहीं बैठक के बाद बीडी शर्मा ने कहा कि काउंटिंग और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। चुनाव संपन्न हुआ तो तीन दिन से थोड़ा रिलैक्स मूड में थे। उन्हें अपने सभी कामों की आगामी दृष्टि से काउंटिंग है, बाकी सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में उत्साह के साथ जो लगे थे और काउंटिंग की तैयारी को लेकर के भी गुजरेंगे। वैसे सामान्य जो चुनाव संपन्न हुआ तो 2 दिन से अगली खबर सागर से है, जहां गाड़ाकोटा में शनिवार रात हुए बवाल के बाद पुलिस ने खुलासा किया है। गाड़ाकोटा गुंजौरा चौराहे पर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जहां विवाद के दौरान कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले में जब पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों की तलाशी ली तो बगैर नंबर प्लेट की फॉर्चूनर कार की डिग्गी में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी प्लेट मिली है। वहीं आगे की ओर सीटों के बीच में एक छोटी सी डिग्गी को जब खोला गया तो उसमें 2 देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है। काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी की घटना स्थल पर उसकी तलाशी में 2 पिस्टल और 6 राउंड मिले हैं और इस पर एक पृथक से अपराध कायम करके उसकी विवेचना की जा रही है। उसमें अभी आरोपी उसके अज्ञात है। अब खबर दमोह से है, जहां अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद बचे हुए जब्त बारूद को डिस्पोज कर दिया गया और पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बरपट्टी गांव के पास खुले मैदान में बारूद को ब्लास्ट करके डिपोस्ट किया है। जैसे ही बारूद को ब्लास्ट किया गया, तेज धमाके और धरती के कंपन से लोग दहशत में आ गए। वही जानकारी देते हुए SP शुक्ला ने बताया कि करीब 70 किलो विस्फोटक पटाखा फैक्ट्री से जब्त किया गया है, जिसे न्यायालय के आदेश पर डिस्पोज किया गया। जे थाना कोतवाली एवं दमोह के अपराध नंबर 985 और 986 अंडर सेक्शन 304 IPC और 3/4 विस्फोटक अधिनियम के तहत जो माल जब्त किया गया था, वो माननीय न्यायालय के आदेश से आज जो है उसका डिफ्यूजन किया गया है और डिफ्यूजन सागर से BDS टीम के प्रभारी विनय तिवारी एवं उनकी टीम के द्वारा सुरक्षित स्थान बरबटी में किया गया। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस ने सिविल अस्पताल की महिला नर्स और उसके 2 सहयोगियों के खिलाफ सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया है। रेलवे में पहले क्लर्क और फिर RPF में सब इंस्पेक्टर बनवाने के नाम पर 4 युवकों से लगभग 28 लाख रुपए महिला नर्स चंद्रलेखा जैन, भानु प्रताप सिंह और विक्रम सिंह राणा ने लिए थे। ये सिलसिला पिछले 2 महीने से जारी था। दरअसल सिविल डिस्पेंसरी के पास ही मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले शिवम रावत, जो मसूदपुर थाना करहाई में काम करता था, पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाटीपुर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाटीपुर थाने में 4 लोगों के साथ में धोखाधड़ी की गई है। नौकरी के नाम पे उनको चंद्रलेखा जैन और उनके 2 अन्य साथी हैं, हॉस्पिटल में कर्मचारी है, वहाँ पे मेडिकल स्टोर पर काम करता था पीड़ित जो है, तो उसको उसकी पर्सनालिटी देख के उसको विश्वास दिलाया कि तुम तो पुलिस के भर्ती के लायक हो, RPF में और GRP में हम तुम्हें भर्ती करवा देते हैं, ऊपर हमारी बहुत अच्छी सेटिंग है। तो ऐसे उससे बोला और 2-3 लोग इकट्ठे कर लो, तो ऐसे उसने अपने परिवार के टोटल 4 लोगों को बात करी, उनने 4 लोगों की, तो 28 लाख रुपये 7 लाख रुपये पर आदमी के हिसाब से लिए और उनको फर्जी दिल्ली से एक आदेश जारी आदेश जो है अपॉइंटमेंट का आदेश भिजवा दिया। अगली खबर रीवा से है, जहां शहीद
सीआरएसएफ जवान अशोक पाल को नम आंखों से सलामी दी गई है। क्षेत्रीय विधायक श्यामलाल त्रिवेदी सहित कई गणमान्य लोगों ने नम आंखों से शहीद जवान को अंतिम विदाई दी और शहीद जवान की दो बेटी और एक बेटा है। वहीं बूढ़े माता पिता ने शहीद बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि 4 महीने से शहीद अशोक पाल का भोपाल के एम्स में इलाज चल रहा था। इस दौरान कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रमाशंकर सिंह और भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष के समेत ही हजारों लोग मौजूद रहे। अच्छा बाबा जी, ये किस पद पे रहे? सीआरपीएफ में। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहे थे कि लड़का पैसा मिल जाए और तो है। लड़का का सर्विस मिल जाए, मैंने जीवन पाए लड़कन को। बाबा जी क्या उम्र रही होगी अशोक जी की? 42-43 साल। कब जानकारी मिली आपको इस विषय में कि उनके डेथ? बटालियन के थे वो, जो तेलंगाना में बटालियन है, और ये जो है बीमार थे, वो दिन से बीमार थे। उनका जो इलाज चल रहा था ये एम्स में, भोपाल एम्स में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ये गुजर गए, तो गुजर जाने के बाद हम लोग आदेश मिला कि जो इसका जो है डेड बॉडी ले जाकर इसके घर तक पहुँचा दो, इसके परिवार वाले को हवाले कर दीजिए। तो हम लोग जो है इधर आए, इसके परिवार से हवाले कर दिए। सर, विभाग की तरफ से परिवार। अब खबर ग्वालियर से है, जहां पदस्थ कार्यपालन मंत्री पीके गुप्ता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बिजली ठेकेदार ने पीके गुप्ता की ओर से रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 4 दिन पहले बिजली ठेकेदार महेंद्र सिंह बैस रिश्वत कार्यपालन मंत्री को कमीशन दे चुका था। दरअसल ठेकेदार ने भिंड कलेक्टर के सरकारी आवास में बिजली संबंधी काम किया था, जिसमें करीब 3.5 लाख रुपए का बिल उन्होंने पीडब्ल्यूडी में लगाया, लेकिन कार्यपालन मंत्री उसके बिल को पास करने के एवज में 25% कमीशन मांग रहे थे। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक कार्यपालन यंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्होंने जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है। उन्होंने कलेक्टर बंगला भिंड में कोई विद्युत संबंधी कार्य किया था, उसके बिल पास किए जाने थे, तो रनिंग बिल पास करने के लिए यहाँ ENM में जो कार्यपालन यंत्री हैं श्री पी के गुप्ता जी, लोक निर्माण विभाग, उनके द्वारा उनसे 70,000 रुपये की मांग की गई है और 55,000 रुपये वो 5-6 दिन पहले दे चुके हैं। आज 15,000 रुपये की रिश्वत, जो शेष रकम थी जो मांगी गई थी, उसकी पुष्टि हम लोगों के द्वारा की गई और आज इनको नहीं है। इन्होंने इतना परेशान मेरे को मेंटली डिस्टर्ब किया कि 25% से नीचे ये बात नहीं करते। अभी मेरा एक बिल पास इन्होंने किया 2,72,000 का, उसमें 55,000 रुपये इन्होंने परसों नरसों मेरे से ले गए, मैंने दे दिए। अब इनका कल से फिर फ़ोन आने लगा कि मेरे को वो बाकी के पेमेंट और करो, तो 20,000 रुपये इनको और देने थे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं। बोले नहीं तो आप बेटे के हाथ से भेज दो। मैंने कहा बेटा भी बिजी है, हॉस्पिटल में है हम लोग। दमोह में दीपावली के पर्व के 9वें दिन आंवला नवमी का पर्व मनाया गया। ये त्योहार खास तौर पर महिलाओं का है। वहीं जटाशंकर धाम मंदिर में महिलाओं ने पहुंचकर विधि विधान से आंवले के वृक्ष का पूजन किया है, साथ ही अक्षय नवमी की कथा का श्रवण भी किया। इस मंदिर में पुजारी राजश्री पाठक की ओर से दीपदान कराया गया। महिलाओं ने अन्न और फल फूल का दान करते हुए इस पर्व को मनाया। वहीं आंवला नवमी के पूजन के दौरान महिलाओं ने पेड़ की परिक्रमा लगाकर धागा बांधा और फिर परिवार के साथ भोजन किया है। हम लोग यहाँ पे आंवली नवमी की पूजा के लिए आए हैं और मतलब आंवली नवमी मनाई जाती है यहाँ पे बहुत अच्छे से, और उस दिन दीपदान करते हैं और सब वस्त्र दान करते हैं। और एक नगर में एक सेठ रहा करते थे, वहाँ वो मतलब हर बार आंवली के नीचे कुछ ब्राह्मणों को भोजन दिया करते थे और मतलब पूजा किया करते थे, तो उनका व्यापार जो था वो अच्छे से चल रहा था। अब ग्वालियर से खबर है, जहां विश्वविद्यालय क्षेत्र में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ 1 महीने तक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया है,
जहां पॉक्सो एक्ट समेत दलित उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि आरोपी अशोक वाजपेयी जयारोग्य चिकित्सालय में पदस्थ था। रिटायर्ड होने के बाद वो वाल्मीकि पार्क के पास टापू मोहल्ले नया बाजार में रहने लगा। उसकी पहचान पास ही में रहने वाली एक लड़की से थी। लड़की को झांसे में लेकर रिटायर्ड कर्मचारी अशोक वाजपेयी ने लगभग 1 महीने तक दुष्कर्म किया और लड़की को धमका कर भी रखा। लड़की कुछ दिन तक शांत रही, फिर उसने लगभग 3 महीने बाद अस्पताल के रिटायर्ड कर्मचारी अशोक वाजपेयी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। लड़की नाबालिग है और अनुसूचित जाति वर्ग से आती है, इसलिए पुलिस ने दलित उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बलात्कार के साथ लगाई है। फिलहाल अशोक वाजपेयी नामक आरोपी और उसकी सहयोगी महिला आकांक्षा मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार है। हॉस्पिटल में कर्मचारी है, वहाँ पे मेडिकल स्टोर पर काम करता था पीड़ित जो है, तो उसको उसकी पर्सनालिटी देख के उसको विश्वास दिलाया कि तुम्हें तुम तो पुलिस के भर्ती के लायक हो, आरपीएफ में और जीआरपी में हम तुम्हें भर्ती करवा देते हैं, ऊपर हमारी बहुत अच्छी सेटिंग है। तो ऐसे उससे बोला और 2-3 लोग इकट्ठे कर लो, तो ऐसे उसने अपने परिवार के टोटल 4 लोगों को बात करी उनने 4 लोगों की, तो 28 लाख रुपए 7 लाख रुपए पर आदमी के हिसाब से लिए और उनको फर्जी दिल्ली से एक आदेश जारी आए। खबर राजस्थान से है, जहां चुनावी समर से उठा एक शब्द राजनीतिक गलियारों से लेकर इस वक्त सोशल मीडिया तक खूब चर्चा में है। ये शब्द है पनौती। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी को भी अब घेर रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने पनौती शब्द को परिभाषित करते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए लिखा, पनौती का क्या अर्थ है? मैंने पता लगाया, ये एक नकारात्मक शब्द है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।